2016 की ब्रिमस्टोन आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर मार्टिन कुलहोवन, आईएमडीबी रेटिंग 7। अमेरिका के सुदूर दक्षिण में लिज अपने पति एलाई और दो बच्चों के साथ रहती है। बड़ा लड़का मैथ्यू, जो एलाई की पहली शादी से है, और छोटी बेटी सैम, जो लिज और एलाई की शादी से हुआ है। लिज गूंगी है, वो इशारों में बातें करती है। कुछ दिन हुए हैं उनके चर्च में एक नया पादरी आया है। आज रविवार चर्च में सभी इकट्ठे हुए हैं। एक आवाज जो लिज के कानों तक पहुंची, उस पादरी की आवाज सुनकर लिज के होश उड़ गए। कहीं ये वो तो नहीं? सामने उसका डर खड़ा है, इस चर्च का नया पादरी। उसने उपदेश देना शुरू किया। तुम सब भेड़ों के झुंड की तरह हो, ईसा मसीह तुम्हारा चरवाहा है, और मैं उसके निर्देश से तुम सबको रास्ता दिखाने आया हूँ। तुम में से कई भटक गए हो, भटके हुए को सही मार्ग पे लाना ही मेरा काम है। लिज उसे देख रही है जैसे कोई बुरा सपना उसकी आंखों के सामने चल रहा हो, और वो किसी तरह पादरी की नजरों से बचना चाह रही है। तभी एक गर्भवती औरत को प्रसव पीड़ा उठी। वो इसी गांव में रहने वाली नैथन की पत्नी है। लिज उसके पास आई। अब स्थिति ऐसी है कि माँ या बच्चे दोनों में से एक को बचाया जा सकता है। चूँकि बच्चे का विकास सही से नहीं हुआ है, लिज ने माँ को बचाना उचित समझा। अगले दिन जब वह नैथन की बीवी का हाल पूछने उनके घर पहुँची, नैथन ने बोला, पादरी ने डॉक्टर बुलवाया है, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। लिज को गांव के लोगों के हाव भाव थोड़े बदले बदले से लगे। रात को नैथन ने नशे की हालत में उनके घर पे गोलियां चलाई और ये भी कहा कि उसके बेटे को लिज ने मार दिया, जिसका अभी तक बैप्टाइज भी नहीं हुआ था। उसे अब कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और ये सब लिज की वजह से हुआ है। लिज समझ गई, उसे पादरी ने ही भड़काया है। तभी वह पादरी आया और नैथन को समझा कर घर भेज दिया। अब एलाई पादरी को शुक्रिया कहने अंदर ले आया। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से एलाई का भरोसा तो जीत लिया कि वो उनका शुभ चिंतक है, मगर उसके वहाँ से जाते ही उसने लिज को अकेले में कहा, पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुम्हें सजा देने। तुम्हें अपने इस परिवार से बड़ा प्यार है ना, खासकर अपनी बेटी से। उसमें एक औरत की झलक अभी से मिलने लगी है मुझे। लिज चुप तो है, मगर उसकी आँखों में डर का मंजर साफ दिखाई दे रहा है, जिससे शायद वो पहले भी रूबरू हो चुकी है। पादरी के जाने के बाद उसे परेशान देख एलाई ने कहा, तुम परेशान मत हो, हम यहाँ से चले जाएंगे मेरे बाबा के पास। थोड़ा वक्त दो, मैं भेड़ों को बेचने का बंदोबस्त करता हूँ। मगर अगली सुबह उनकी सारी भेड़े मरी पड़ी मिली। एलाई को गुस्सा आ गया, ये उसी नाथन का ही काम है, और वो तुरंत उसके यहाँ चल पड़ा। इधर लिज ने सैम को बाहर बिठा कर उसकी आँखों पे पट्टी बांध दी, ताकि वो मरे भेड़ों को बाहर निकालते हुए ना देखे। अंदर काम करते हुए बाहर से अचानक किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। लकड़ी के दरारों से लिज ने बाहर झांका तो उसे पादरी दिखा, जो सैम को अपने साथ कहीं ले जा रहा है। बाहर निकलने की कोशिश में लिज ऊंचाई से गिरकर बेहोश हो गई। जब तक होश आया, दरवाजा भी खुला पड़ा है और एलाई भी वापस आ चुका है। एलाई बोला, नाथन तो परिवार समेत गाँव छोड़कर जा चुका है, तो फिर ये किसका काम हो सकता है? लिज इधर उधर भाग कर सैम को ढूंढने लगी। तभी वो अचानक कहीं से वापस आई। उसे देख लिज की सांसों में सांस आई। अब यहाँ सैम लिज से नजरें नहीं मिला रही। बहुत पूछने पे उसने लिज से एक अजीब बात कही, माँ क्या आप बुरी हो? उस पादरी ने बोला कि आपने किसी का खून किया है। इस बात से लिज की रातों की नींद छीन ली और आधी रात उठकर अकेले ही घोड़े पे सवार होकर वो चल दी उसी पादरी के घर पुराने हिसाब बराबर करने। पर जाकर देखा तो पादरी वहाँ नहीं है और बिस्तर पर एक गुड़िया रखी हुई है। यहाँ पादरी तो लिज के घर पर सैम के सामने खड़ा है। थोड़ी देर बाद अचानक एलाई की आँख खुली तो देखा लिज बगल में नहीं है। फिर वो दोनों बच्चों के कमरे में गया, दोनों सो रहे हैं। तभी उसने देखा सामने भीड़ रखने वाले घर पर बत्ती जली है। उसे लगा फिर से कोई कुछ करने तो नहीं आया और बंदूक लेकर वहाँ पहुँचा। उसके अंदर आते ही पादरी ने छुरे से उसका पेट चीर दिया। एलाई ने पूछा, आखिर क्यों? क्योंकि लिज तुम्हें प्यार करती है। जब तक लिज वापस आई, एलाई अधमरी हालत में पड़ा उससे मौत की गुहार लगाने लगा, इस दर्द से मुझे मुक्ति दे दो। और एलाई के कहने पे मैथ्यू ने उसे गोली मारकर मौत बख्श दी। बाहर निकलकर देखा तो सैम दौड़ते हुए आई। पादरी ने पूरे घर को आग लगा दी है। उसी वक्त लिज अपने दोनों बच्चों सहित एलाई के पिता के घर की तरफ निकल पड़ी। आखिर कौन है ये पादरी और क्यों वो लिज के साथ ये सब कर रहा है, इसके लिए कहानी को पीछे ले चलते हैं। एक 13 साल की लड़की खून से लथपथ बुरी हालत में रेगिस्तान में वहाँ से गुजर रही है कि एक परिवार की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने उसे बैलगाड़ी में अपने साथ बैठा लिया और आगे चलकर बिस्मुथ नाम की जगह एक वैश्या घर चलाने वाले फ्रैंक नाम के आदमी को उसे बेच दिया। उस लड़की का नाम जोआना है
वो भले ही अभी बच्ची है पर उसे मालूम है कि यहाँ क्या होता है। यही काम करती है सैली। उसने जब छोटी सी जुआना को देखा उसे उस पर दया आई, वही उसका ख्याल रखने लगी, उसे ग्राहकों से बचाती जो उसके साथ हमबिस्तर होना चाहते हैं। और एक दिन इसी बात की वजह से एक ग्राहक के साथ सैली की अनबन हो गई। उस आदमी ने सैली को गला दबाकर मारने की कोशिश की, फिर वो जुआना को हानि पहुंचाने उसके पास जैसे ही बढ़ा, इधर कोई रास्ता न देख सैली ने उस पर गोली चला दी। इस वैश्या घर का एक नियम है कि यहाँ आने वाला हर ग्राहक सबसे ऊपर होता है और यहाँ का मालिक फ्रैंक बड़ा लालची है, वो एक वैश्या के लिए अपना बाजार खराब होने नहीं देगा। अंततः सैली को फांसी दे दी गई। धीरे धीरे वक्त बीता, अब जुआना एक औरत में तब्दील हो गई है और वहीं उसकी एक हम उम्र सहेली बनी एलिजाबेथ। दोनों ढेर सारा वक्त साथ बिताते, यहाँ से दूर कहीं जाने की बातें करते। फिर एक दिन एलिजाबेथ के किसी ग्राहक से अनबन हो गई और फ्रैंक ने एलिजाबेथ की जीप काट दी। वहाँ की सारी लड़कियाँ बेबस है, कोई खिलाफ नहीं जा सकता। अब जुआना उसके साथ हाथों से इंगित भाषा सीखने लगी, लेकिन अब एलिजाबेथ यहाँ से जाना चाहती है, अपना परिवार चाहती है। उसने शादी के दफ्तर पर अर्जी डाली और उसे एक परिवार भी मिल गया जो उसे अपनाने को राजी है। 6 महीने पहले ही उस आदमी की पत्नी का स्वर्गवास हुआ है और एक 6 साल का बेटा है। एलिजाबेथ को और क्या ही चाहिए, बस एक परिवार का साथ। उसने जुआना को भी साथ चलने को कहा। उसी रात दोनों ने वहाँ से भागने की योजना बनाई, क्योंकि फ्रैंक तो उन्हें कभी यहाँ से जाने नहीं देगा। लेकिन उसी आखिरी रात एक बहुत पैसे वाले ग्राहक आया जिसने एक रात के लिए पूरा वैश्या खाना खरीद लिया। वो आदमी नहीं चाहता कि कोई उसे देखे, उसे एक खास लड़की की तलाश है। आज रात भी एलिजाबेथ और जुआना को काम करना पड़ेगा। सभी लड़कियां एक कतार में उस आदमी के सामने खड़ी हो गई। दरअसल वो आदमी वही पादरी है। इतने सालों बाद भी उसने जुआना के गर्दन के पीछे के जन्म निशान को छूकर ही उसे पहचान लिया। अकेले कमरे में जुआना डरी हुई है। पादरी बोला, तुम्हें ढूंढने में इतने साल लग गए मगर कभी सोचा नहीं था कि तुम यहाँ ये करते हुए मिलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे सारे पाप माफ करने को तैयार हूँ और इसके लिए तुम्हें मुझे अपनाना होगा। तुम भगवान के काम में अड़चन पैदा कर रही हो, ये मिलन तो कब का हो जाना चाहिए था, आओ मेरे पास आओ। जब जुआना ने इनकार किया तो मारने के लिए उसने बेल्ट निकाली। उसे मदद के लिए चिल्लाता सुन एलिजाबेथ वहाँ आई। उसने पादरी के चेहरे पे वार किया पर वो मारी गई। अब खुद को बचाने के लिए जुआना ने उसी छुरा से पादरी के गले में भौंका और कमरे में आग लगाकर भाग गई। आधी रात जुआना एक डॉक्टर के पास गई और उसे अपनी जीप काटने को कहा, क्योंकि अब वो नाम बदलकर एलिजाबेथ की जगह उस परिवार वाले आदमी के पास जाएगी और बाकी की अपनी जिंदगी एलिजाबेथ यानी लिज बनकर गुजार देगी। और इस तरह वो एलाई से मिली जिसकी पहली शादी से बेटा था मैथ्यू और फिर सैम पैदा हुई। अब कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। जुआना अपनी माँ एना और उसी पादरी के साथ मरुस्थल के बीच एक छोटे से गांव में रहती थी। पादरी ही उसके पिता है जो कि एक कट्टर धार्मिक इंसान है और अपने परिवार के ऊपर बहुत सख्त है। उसके मुताबिक औरतों का उसके खुद के शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता, उसका शरीर तो बस उसके पति का है। वो मासिक के समय भी एना को संगी करने पर मजबूर करता। 13 साल से एना उसे झेल रही है, उसके रूढ़िवादी विचारों से जूझ रही है, मगर अब जाकर उसने झुकना बंद किया है। बाहर से चाहे जितना भी परिपूर्ण लगे, अंदर से ये शादी खोखली है जिसमें 2 कैदी है और 1 जेलर। इस रविवार चर्च में पादरी बोला, हमने जो ये नई जगह बसाई है क्योंकि हम गॉड के चुने हुए हैं, हम खास है, वो हमसे कुछ महान करवाना चाहता है, हम एक मिसाल बनना है दुनिया के सामने। फिर एक एक कर लोगों ने बताना शुरू किया कि किसी ने रोशनी देखी, किसी ने पंख वाली लड़की देखी, किसी ने सफेद प्रकाश में एक लड़के को उतरते हुए देखा। मगर जब जानबूझकर पादरी ने अपनी बीवी एना को बुलाया, उसे कोई ऐसी अनुभूति नहीं हुई। पादरी ने उसे जलील करते हुए कहा, कितनी शर्म की बात है, मेरी बीवी होकर तुम गॉड के रहम से कोसों दूर हो। जुआना चुपचाप ये सब देख रही है। अब शाम को जुआना को पेट में दर्द उठा, देखा तो कपड़ों में खून लगा है। तभी सामने से उसकी माँ और पिता गुजरे। वो एना पर उसके पाप के प्रायश्चित के नाम पर नंगे बदन पर कोड़े बरसा रहा है। जुआना बचपन से यही सब देखती आ रही है कि अब उसके मन में भी विरोध जन्म लेने लगा है। अब एना ने जुआना को खून के दाग लगे कपड़े धोते हुए देखा और समझ गई। पादरी ने भी उन्हें कानाफूसी करते हुए देख लिया और बोला, अब जुआना एक औरत बन चुकी है, उसके साथ बच्चों जैसा बर्ताव ना किया जाए। अब वो जुआना पे नजर रखने लगा है, मगर बेटी की तरह नहीं, एक औरत की तरह। ये बात एना को भी खटक रही है। अब तो उसका रुझान भी एना की तरफ से कम हो रहा है।
एक दिन उसने जुआना को नहाते वक्त बुलाया और कहा, तुम्हें गॉड ने औरत एक मकसद की वजह से बनाया है और वो ये है कि तुम मर्द की खिदमत करो, उसकी आज्ञा का पालन करो। उसे ऐसा करते ऐना ने देख लिया और इसका प्रतिवाद किया, जुआना सिर्फ एक 13 साल की बच्ची है। एक दिन जुआना ने 2 लोगों को घोड़े पे आते देखा, वो जख्मी थे। जुआना ने उन्हें जानवरों के बीच छुपा दिया, उन्हें आश्रय दिया, उनका ख्याल रखा, उनके घाव भरने में मदद की, लेकिन अब तक इसके बारे में पादरी को कुछ नहीं मालूम। उनमें से एक का नाम है सैमुअल। जुआना और उसमें आपसी समझदारी बढ़ने लगी, मगर दूसरा आदमी सिर्फ मौके की फिराक में रहता और जुआना से बदतमीजी भी करता। एक दिन ऐना ने पादरी को जुआना के दरवाजे से झांकते हुए पकड़ लिया, जिस वक्त वो कपड़े बदल रही थी। ऐना बोली, ये गलत है, तुम उसके बाप हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो बोला, इसमें कोई गलती नहीं, अगर बेटी औरत बन चुकी है तो मैं उससे संबंध बना सकता हूँ, उससे शादी के बंधन में बांध कर। ऐना के विरोध करने पे उसे बहुत मारा गया और मुंह में लोहे का कब्जा लगा कर उसे सजा दी ताकि वो कुछ बोल न सके। अब यहाँ सैमुअल के कहने पे जुआना एक रस्सी ले आई, जिसका फंदा बनाकर सैमुअल ने दूसरे आदमी को मार दिया, नहीं तो वही आदमी घाव भरने पे सैमुअल को आज नहीं तो कल मार देता। ये बातें उसने जुआना से बांटी, वो एक दूसरे को और समझने लगे। अब रविवार की चर्च में ऐना को उसी हालत में ले जाया गया, लोगों को ये जताने कि उसकी बीवी गॉड के दिखाए रास्ते पे नहीं चलती, इसीलिए वो सजा की हकदार है, ताकि वो लोगों के सामने एक मिसाल बन सके। जुआना माँ से बोली, इस तरह जीने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। यहाँ पादरी अब उपदेश दे रहा है, जब सांप ने कहा था कि औरत तुम इस पेड़ का फल खा सकती हो जो तुम्हें बल और बुद्धि देगा, और लालच में औरत ने ये पाप कर दिया, उसने फल तोड़कर खा लिए, जिसके बाद गॉड ने उसके दर्द को कई गुना बढ़ाकर उसे बच्चे जनने की क्षमता दी और कहा कि तेरा मालिक सिर्फ तेरा पति रहेगा। ऐना का सब्र अब जवाब देने लगा और वो बाहर चर्च में फांसी के फंदे में झूल गई। इतना सब होने के बाद भी पादरी खुद को ही सही साबित करने की कोशिश कर रहा है, इसने पाप किया है। क्या इसे नहीं मालूम था कि ये शरीर भगवान का दिया मंदिर है, इसे नर्क की आग में जलना होगा। उस रात पादरी ने खुद पर कोड़े बरसाए और प्रायश्चित किया। यहाँ जुआना सैमुअल के गले लगकर अपनी माँ के दुख में खूब रोई। अगली सुबह जुआना के पिता ने कहा, जुआना मुझे गॉड ने माफ कर दिया है, तुम्हारी माँ ना बीवी का कर्तव्य निभा सकी ना ही एक माँ का, उसके अधूरे काम को अब तुम्हें पूरा करना है। अब हमें गॉड के सामने आज ही पति पत्नी के बंधन में बंधना होगा और अपने कर्तव्य को पूरा करना है, हमें गॉड ने चुना है। लेकिन इसका विरोध करने पे जुआना के मुंह में भी लोहे का कब्जा लगा दिया गया और जबरदस्ती अपनी बेटी से वो शादी का मंत्र पढ़ने लगा। आवाजें सुनकर सैमुअल उसे बचाने आया, मगर खुद पादरी के हाथों मारा गया। जुआना बोली, मैं सैमुअल से प्यार करती हूँ। प्रायश्चित के नाम पर उसने जुआना पर कोड़े बरसाए और रात भी साथ गुजारी। अगली सुबह मौका पाते ही जुआना वहाँ से भाग गई और इस तरह वो उस परिवार को बेहोशी की हालत में मिली। अब कहानी अभी के समय में आ जाती है, जब लिस बन चुकी जुआना मैथ्यू और सैम के साथ भाग रही है, क्योंकि लिस को मालूम है कि ये संकी पागल आदमी कभी नहीं रुकने वाला, वो इसके पीछे जरूर आएगा। रास्ते में उनके टांगे का पीछा करते हुए उसने मैथ्यू को भी मार डाला। बेचारा मैथ्यू अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करते हुए मारा गया, अपनी माँ और बहन को दादाजी तक पहुँचाना। एलाई के पिता के घर पहुंचकर उसने इशारों में पूरी बात उन्हें बताई और पूरी रात बंदूक लेकर घर की पहरेदारी करने लगी। अब पादरी वहां भी पहुंच गया और धमकी दी, तुमने भी वही किया ना जो तुम्हारी माँ ने किया था, अब इसकी सजा तुम्हारी बेटी भुगतेगी, तुम्हारे बाद अब वो तुम्हारी जगह लेगी, तुम्हें क्या लगता है वो अंदर महफूज है। लिस दौड़ कर अंदर भागी, एलाई के पिता के गर्दन पे छुरा लगा है। वो सैम को लेकर भागी लेकिन पकड़ी गई, फिर उसने रस्सी से सैम को बांधा और कोड़े बरसाए। उसे मालूम है कि वो जितना उसे मारेगा लिस को उतनी ही तकलीफ होगी, और बोला, मैंने तो इतने पाप किए हैं कि नरक ही नसीब होगा, तो फिर मैं क्यों डरूं? कितनी बीमार मानसिकता है इस आदमी की कि वो सैम को एक औरत के रूप में देख रहा है, अधर्म के रास्ते पे चल रहा है, गॉड की भाषा समझाते समझाते खुद गॉड बन बैठा है, मगर उसके कर्मों का हिसाब तो उसे मिलेगा। लिस ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और तेल की बाती उस पे फेंक दी, वो जिंदा जलकर मर गया। अब लिस अपनी बेटी के साथ वही रहने लगी। एक दिन नैथन वहाँ आया, जो उनके गांव से परिवार समेत चला गया था। उसने कहा, पादरी ने ही मुझे बिस्मुत भेजा था वहाँ एक पुलिस में भर्ती होने के लिए। वहाँ से मुझे पता चला कि तुम वैश्या घर में काम करती थी और वहाँ के मालिक फ्रैंक का कत्ल करके भागी हो। तुम्हारा पूरा नाम एलिजाबेथ ब्रंडी है।
लिस समझ गई कि उस रात उसकी दोस्त एलिजाबेथ ने फ्रैंक को मारा है, मगर अब उसे वो कैसे समझाई कि वो असल में जोआना है और एलिजाबेथ का नाम लेकर आई है। नाथन को अपने नवजात शिशु की मौत का बदला तो उसे लेना ही था। वो लिस को बंदी बनाकर ले जाने लगा। आखिरकार उस पादरी के बनाए नरक के जाल में वो फंस ही गई। मगर अब वो जीकर क्या करेगी? उसने सैम की जिम्मेदारी भी एलाई के परिवार को सौंप दी है। एक नजर सैम को खेलता देख उसने बंधे हाथों से झील में छलांग लगा दी। उसके जिंदा बचने के आसार तो कम ही है, मगर आज भी सैम को लगता है कि उसकी माँ लिज उसे देख रही है। मूवी यहीं खत्म होती है। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।